मंदरौनी स्थित अर्जुन कॉलेज ऑफ एजुकेशन में DELED कोर्स के लिए नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ। COVID-19 की वजह से BSEB द्वारा प्रस्तावित DELED कैट रद्द होने के पश्चात रंगरा स्थित अर्जुन कॉलेज ऑफ एजुकेशन में नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। जानकारी देते हुए महाविद्यालय प्रबंधन ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी महाविद्यालय में 13 जनवरी तक आवेदन दे सकते हैं। मेधा सूची का प्रकाशन महाविद्यालय के सूचना पट पर 15 जनवरी को किया जाएगा। इसके बाद प्रथम काउंसलिंग एवं नामांकन 17 जनवरी से शुरू हो जाएगा। इच्छुक व्यक्ति की अर्हता न्यूनतम इंटर या समकक्ष में 50% अंक होना अनिवार्य है। मंदरौनी में सड़क किनारे रह रहे बेघर लोगों ने की पुनर्वास की मांग। रंगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 31 के किनारे रह रहे सोहरा गद्दी पंचायत के करीब 500 कटाव पीड़ितों ने स्थानीय प्रशासन से पुनर्वास योजना के तहत जमीन और घर देने की मांग की है। कटाव पीड़ित उमेश पासवान, मनोज मंडल, संजय कुमार सिंह, क्षत्रिय देवी ने कहा कि राजमार्ग के किनारे रहना खतरे से खाली नहीं है। हमेशा खतरा बना रहता है कि कोई वाहन उन लोगों के घर में ना घुस जाए। आए दिन यहाँ के लोग सड़क हादसे के शिकार होते ही रहते हैं। करीब 8 साल पहले उन लोगों का घर कोसी कटाव में विलीन हो गया था। तब से लेकर आज तक वे लोग यहीं पर रह रहे हैं। रोजाना उनके पालतू जानवर सड़क हादसे में मारे जा रहे हैं। लोगों ने जल्द से जल्द प्रशासनिक पदाधिकारियों से पुनर्वास की दिशा में पहल करने की मांग की है। रंगरा PHC में 132 लोगों का कोरोना चेक, सभी नेगेटिव। रंगरा PHC में 132 लोगों का कोरोना चेक रैपिड एंटीजन किट से किया गया है। डॉक्टर रंजन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि सबों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। डॉक्टर रंजन कुमार ने कहा कि रंगरा PHC में रोजाना कोरोना चेक किया जा रहा है। जिन लोगों को सर्दी, खांसी, बुखार या फिर सांस लेने में तकलीफ हो, वे आसानी से PHC आकर जांच करवा सकते हैं। रंगरा पुलिस ने चलाया वाहन और मास्क जांच अभियान। रंगरा पुलिस ने थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर सघनतापूर्वक मास्क एवं वाहन जांच अभियान चलाया है। जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष महताब खान ने कहा कि बाइक चालकों को ट्रैफिक कानून का पालन करने का निर्देश दिया गया है, जबकि मास्क न पहनने वालों को भी मास्क पहनने की हिदायत दी गई है।